हर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। नीतीश कुमार पलटू राम है या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। महागठबंधन का साथ छोड़ नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली है। 28 जनवरी को उन्होंने नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। विरोधी नीतीश के एक बार फिर पलटी मारने पर उन्हें घेर रहे हैं राजनीतिक रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में हुए सियासी उलटफेर के बाद बड़ा दावा करते हुए कहा, बिहार में बना जेडीयू बीजेपी गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नया नवेला गठबंधन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक भी नहीं चलेगा। इसका मतलब बीजेपी जेडीयू सरकार का कार्यकाल एक साल या उससे भी कम होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वर्तमान में जो गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है और उन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ये गठबंधन विधानसभा चुनाव तक अस्तित्व में नहीं रहेगा और वो ये बात लिखित में दे सकते हैं। नीतीश के फिर से पलटी मारने पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, सुनिए। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है, लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम है या पलटू राम नेताओं के सरदार है, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में वापसी करने के बाद नीतीश ने कहा कि वो जहां थे फिर से वहीं आ गए हैं और अब कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक फुट करके चार दिन थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, बेकारे हो ही गया ना, कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। आप पीछे के लिए नहीं वाला, अब आप देखे सब तो छुट्टी मिल गई, फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। बता दें कि नीतीश ऐसे दावे पहले भी कर चुके हैं। 30 जनवरी 2023 को नीतीश ने अपने एक बयान में कहा था कि उन्हें मरना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं, और अब नीतीश एक बार फिर एनडीए के साथ आ चुके हैं। ये वही नीतीश है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे। महागठबंधन से उनके मोहभंग होने की जो भी वजह रही हो, लेकिन विरोधी नीतीश के पुराने बयान को याद दिलाकर उन पर हमला बोल रहे हैं।